वाक्य। बच्चों, आप जानते हैं वाक्य बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्द बनाने के लिए स्वर और व्यंजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द और वाक्य का सही अर्थ निकलना चाहिए, अर्थात वाक्य में शब्द सही जगह पर होने से ही उसका अर्थ समझ आता है। वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों को सही क्रम में रखकर ही वाक्य बनते हैं। शब्द और वाक्य का सही अर्थ निकलना चाहिए। वाक्य बनाते समय शब्द सही जगह पर आने चाहिए, जैसे हैं खेल लड़के रहे, गलत, लड़के खेल रहे हैं, सही। वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे रोहन आम खाता है, ऊपर लिखे वाक्य में रोहन उद्देश्य है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं, जैसे दर्जी कपड़े सिलता है, ऊपर लिखे वाक्य में कपड़े सिलता है विधेय है। अतः इस वाक्य में उद्देश्य दर्जी और विधेय कपड़े सिलता है। इस प्रकार हमने जाना, सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाव अथवा विचार स्पष्ट होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, उद्देश्य बच्चे, विधेय खेल रहे हैं। बच्चों, आपने जाना कि वाक्यों से भाव अथवा विचार स्पष्ट होते हैं। अपने भावों या विचारों को बताने के लिए सही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा याद रखो, वर्ण वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य। सही वाक्य वही होता है जिसका अर्थ स्पष्ट हो। कुछ अन्य उदाहरण। राम पढ़ रहा है, उद्देश्य राम, विधेय पढ़ रहा है। टीना खेल रही है, उद्देश्य टीना, विधेय खेल रही है। धोबी कपड़े धोता है, उद्देश्य धोबी, विधेय कपड़े धोता है। किसान खेती करता है, उद्देश्य किसान, विधेय खेती करता है। रिया, आज मैंने वाक्य की परिभाषा पढ़ी है, क्या तुम्हें आती है? बताओ, वाक्य किसे कहते हैं? हाँ, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। उद्देश्यों को उनके विधियों से मिलाओ। मोची जूते सिलता है, राम पढ़ रहा है, आम मीठा है, बिल्ली दूध पी रही है। इस प्रकार से वाक्यों का निर्माण किया।